खबर आ रही है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसला सुरक्षित है, लेकिन 9 मई को जो खबर है, 9 मई को यह फैसला आ सकता है। जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया, 9 मई को फैसला आ सकता है शराब घोटाला मामले में। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, 21 मार्च को हुई थी उनकी गिरफ्तारी और 9 मई को फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित और 9 मई को फैसला आ सकता है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुशील पांडे, क्या खबर है और अपडेट क्या है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन इस फैसले को सुनाया कब जाएगा इसकी कोई तारीख अभी फिलहाल नहीं दी गई है। 9 मई को अरविंद केजरीवाल ने जो फिलहाल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस मामले पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हमने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना दिमाग सही कर लिया, सेट कर लिया है, तो अब कभी भी यह माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। हो सकता है कि इसी हफ्ते अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे, लेकिन सीधे तौर पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का सीधे तौर पर विरोध किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और ईडी ने कहा कि चूंकि अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जमानत दिया जाता है तो देश में एक नई अवधारणा बन जाएगी और आने वाले दिनों में तमाम ऐसे राजनेता हैं जो फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, उन याचिकाओं की बाढ़ लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस तरह के तमाम सबमिशन को रिकॉर्ड पर लिया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील रख रहे थे, उन्होंने कहा कि चूंकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं और प्रोसीड ऑफ क्राइम की जो बात बार बार ईडी कह रही है उसमें सीधा अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट अभी तक ईडी नहीं बता पाई है, लिहाजा ये कह देना कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न दिया जाए ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में ये संकेत दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकते हैं, ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपने चैम्बर में बैठकर गहन विचार कर सकता है, अपने जज के साथ बैठकर कि क्या इस पूरे असाधारण केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया जाए, और अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया जाए तो किन शर्तों के आधार पर उनको जमानत दिया जाए, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत अदालत देती है, निश्चित रूप से कई ऐसे राजनेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और यही आदेश का हवाला देकर वो भी जमानत मांग सकते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल अभी लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो ऐसे में क्या उनको जमानत दिया जाए और क्या इस जमानत की अवधारणा आम लोगों में कैसी जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक विचार विमर्श में फंसा हुआ है कि किस तरह से वो ये तय करे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत किस आधार पर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे।